जय माता दी, जय माँ महागौरी। महागौरी माँ की सिद्धियाँ। महागौरी इनका नाम है, हिंदू देवी है। ये त्रिशूल को ये धारण करती है। शिव इनके जीवन साथी हैं और वृषभ यानी कि बैल इनकी सवारी है। अष्टमी को महा अष्टमी भी कहते हैं और इस दिन होती है माँ महागौरी की पूजा। तो यहाँ सहज ही यह सवाल उठता है कि आखिर माँ गौरी का नाम महागौरी कैसे पड़ा। तो आइए जानते हैं, यही कुछ ऐसे पड़ा माँ गौरी का नाम महागौरी। अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत क्रांतिमय गौण वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ जाता है। महागौरी रूप में देवी करुणामय स्नेहमय शांत और मधुर दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात् साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके लिए अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। अन्य कथा के अनुसार माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन में आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती की खोज में भगवान शिव उनके पास पहुँचते हैं। वहां पहुंचे तो आश्चर्य पर गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत श्वेत ओजपूर्ण दिखाई दे रहा था, चांदनी की भांति और कुंद के फूल के समान वह दिखाई दे रही थी। उनके वस्त्र आभूषण और उनको गौर वर्ण का वरदान शिव जी के द्वारा दे दिया जाता है उन्हें देखकर। तब से गौरी माता को महागौरी के नाम से जाना जाने लगता है। नवरात्रि की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजा करने की विधान है। माना जाता है कि इससे माँ प्रसन्न होती है। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी परम कल्याणकारी है। ये ममता की मूर्त है और भक्तों की सभी जरूरतों को पूरा करती हैं। अगर आप आर्थिक कष्ट में हैं तो माँ महागौरी की पूजा करके आर्थिक कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा महागौरी से मन चाहे विवाह का वरदान भी मिल सकता है। गौरी की पूजा से होते हैं ये लाभ। माना जाता है कि महागौरी के पूजन से मनचाहे विवाह की मुराद पूरी होती है। अगर आप आर्थिक कष्ट से परेशान हैं तो महागौरी की पूजा आपके आर्थिक कमी की परेशानी को दूर कर सकती है। माँ महागौरी की पूजा से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। ऐसा करें, शुक्र को मजबूत करने के लिए महागौरी की पूजा लोगों के द्वारा की जाती है। शुक्र को मजबूत करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि शुक्र को मजबूत करने के लिए माँ महागौरी की पूजा श्वेत वस्त्र धारण करके अष्टमी के दिन करें। माँ को सफ़ेद फूल सफ़ेद मिठाई अर्पित करें, फिर शुक्र के मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करें। सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। रात्रि के आठवें दिन माँ को सफेद फूल अर्पित करने का प्रयास करें। इससे माँ विशेष कृपा बनती है। विधि पूर्वक माँ गौरी का स्मरण पूजन करने के बाद व्यापार दंपति जीवन सुख शांति समृद्धि मिलती है। यह माना जाता है कि माँ गौरी की पूजा से त्वचा संबंधी रोगों का भी निवारण हो जाता है।
शास्त्रों की मान्यता अनुसार महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल और दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। अष्टमी की तिथि के दिन महागौरी माँ दुर्गा की पूजा से भक्तों के सभी तरह के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। की उपासना। पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। हमें सदैव इनका स्मरण और शरण में रहना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मंत्र का अर्थ। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ मुझे सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। पूजन विधि। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनर भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तथा आपने माँ की पूजा की, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह आप अपनी देवी माँ की पूजा करें। माँ महागौरी का इस स्वरूप का वर्णन। उनका स्वरूप गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी 8 वर्ष की आयु मानी जाती है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि सभी श्वेत होते हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, जिसे बैल कहा जाता है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, नीचे के वाले हाथ में त्रिशूल है, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत प्रिय है और महागौरी माँ को बहुत ही शांत देवी के रूप में जाना जाता है। माँ महागौरी के प्रसिद्ध मंदिरों में मणिदाई बबेरू बांधा का एक मंदिर प्रचलित है, जो प्राचीनतम समय से वहाँ पर स्थित है। ये एक प्रसिद्ध मंदिर माना गया है। जय माता दी।